पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जरा जुबान संभाल के, जरा जुबान संभाल के इसलिए क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की कहानी में स्ट्रेट लाइन पर आप ये सुनेंगे कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिन्हें आदतन आदत है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी फिकरा, कोई भी कलमा, कोई भी लाइन बोल देते हैं, बिना सोचे समझे लगता है कि वो तमाम लाइनें बोलते हैं। एक बयान उनका वायरल हो रहा है, पहले बयान को ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो किन लोगों के बारे में ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल हैं उन राज्यपालों का काम ये होता है कि शराब पियो और उसके बाद गोल्फ खेलो। आप जब नाम सुनेंगे तो मेरी तरह आप भी गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से कहेंगे, ज़रा ज़ुबान संभाल के, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उसका कतन ये मतलब नहीं कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा। गवर्नर के कोई काम नहीं होता कश्मीर में, तो जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है, बाकी जगह जो गवर्नर होते हैं वो आराम से रहते हैं, किसी झगड़े में पड़ते नहीं। मुझे बिहार में भेजा, मैंने कोशिश की वहां शिक्षा में सुधार करने की, ऐसे ऐसे कॉलेज थे, 110 कॉलेज थे नेताओं के, जिनमें एक भी अध्यापक नहीं था, बीएड का दाखिला करते थे, 30 लाख रुपए देते थे, इम्तहान करते थे, डिग्री दे देते थे। मैंने सारे खत्म किए वो, और एक सेंट्रलाइज्ड इम्तहान करा। सत्यपाल मलिक का बयान सुना आपने। सत्यपाल मलिक एक राजनीतिज्ञ हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, और एक पॉलिटिकल लीडर से ये तवक्का और ये उम्मीद करना कि वो राजनीति छोड़ दे और कुछ बोलने से पहले सोचे, ज़रा ज्यादती करना है उसके साथ। उन्होंने जिन राज्यपालों के बारे में बात की वो लोग हैं जिनका भारत के इतिहास में नाम दर्ज है। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जिसको भी केंद्र सरकार ने बनाया, उस राज्यपाल की अपनी एक हस्ती, अपनी एक पहचान और अपनी एक पोजीशन। वो राज्यपाल जिसने भारत के भारत बनने में बहुत बड़ा योगदान अपने तरह से दिया है। आइए आपको उन तमाम राज्यपालों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में सत्यपाल मलिक की शब्दावली ये कि वो शराब पीते थे और गोल्फ खेला करते हैं। डॉक्टर करण सिंह, एक लंबे चौड़े समय तक 30 मार्च 1965 तक डॉक्टर करण सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, डुग्गर प्रदेश की डोगरा डायनास्टी के चराग, कांग्रेस के इस समय नेता हैं, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, तमाम जितने भी दल हैं डॉक्टर करण सिंह की बहुत इज्जत करते हैं, और वो इज्जत इसलिए उनकी नहीं करते क्योंकि वो डॉक्टर करण सिंह हैं और महाराजा हरि सिंह के पुत्र हैं, उनकी इज्जत वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि डॉक्टर करण सिंह एक काबिल लेखक जहां पर हैं वहीं इतिहास पर जो उनकी पकड़ है उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं। और ये भी कि भारत का ध्वज जम्मू कश्मीर में उसको मजबूत करने में डॉक्टर करण सिंह का एक बहुत अहम रोल रहा है 1965 तक। उसके बाद 2 साल वो राज्यपाल रहे, 1965 तक वो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। डॉक्टर करण सिंह के बाद भगवान सहाय 6 साल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, लक्ष्मीकांत झा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल 8 साल रहे, बीके नेहरू 22 फरवरी 1981 से लेकर 26 अप्रैल 1984 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। जगमोहन, कौन नहीं जानता जगमोहन को, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के रचयिता, जिस आदमी ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वो शक्ल, वो सूरत बनाई कि आज 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आता है, क्या कोई भी आदमी जगमोहन के उस कॉन्ट्रीब्यूशन को भूल सकता है? क्या कोई भी आदमी ये भूल सकता है कि जगमोहन का
जो टेन्योर जम्मू कश्मीर में था, लोग ये मानते थे कि वो बहुत ईमानदार बड़ा काबिल आदमी था, और साथ में जम्मू कश्मीर की करप्शन के ऊपर पहला प्रहार जिस राज्यपाल ने किया उसका नाम था जगमोहन। जगमोहन के बाद केवी कृष्णा राव। आप जरा सोचिए, केवी कृष्णा राव जैसी शख्सियत के बारे में सत्यपाल मलिक ने जो बातें करी, क्या वो बात उनको करनी चाहिए? जनरल केवी कृष्णा राव परम विशिष्ट सेवा मेडल जिन्हें दिया गया, 16 जुलाई 1923 को जन्म हुआ, 30 जनवरी 2016 को उनका देहांत हुआ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के गवर्नर, 1 जून 1981 से लेकर 31 जुलाई 1983 तक जनरल केवी कृष्णा राव चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे। उसके अलावा जनरल केवी कृष्णा राव के बारे में ये भी मशहूर है कि 1971 की वॉर में 8 माउंटेन डिवीजन जिसने शिलेट का एरिया कैप्चर करा था और नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, ये उस डिवीजन की कमांड जनरल केवी कृष्णा राव कर रहे थे। वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और उसके बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं। और ये भी आप तक मैं जानकारी पहुंचाऊं कि जनरल केवी कृष्णा राव जैसे आर्मी ऑफिसर को लेकर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना, क्या आपको नहीं लगता कि ये उनको लेकर सत्यपाल मलिक के मुंह से जो शब्द निकले हैं उन्हें उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद जगमोहन दोबारा आते हैं, थोड़े महीनों के लिए दोबारा जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हैं। गिरीश चंद्र सक्सेना, गैरी सक्सेना भी इनको कहते थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर, आगरा में पैदा हुए, आईपीएस ज्वाइन किया और उसके बाद रिसर्च एनालिसिस विंग के डायरेक्टर के तौर पर वो रिटायर हुए। वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल 2 मई 1998 को बने दूसरी बार, और उसके बाद उन्होंने गवर्नर का दफ्तर 26 मई 1990 से लेकर 13 मार्च 1993 तक वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस आदमी को भारत का सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण मिला हो, क्या आपको लगता है कि उसके बारे में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना सही है? उसके अलावा एनएन वोहरा, 2 टर्म जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जो शख्स रहा हो, जिसके बारे में मुख्यमंत्रियों का ये कहना था कि वो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे थे, खामोशी के साथ बहुत सारे बिल्स जब उनके पास जाते वो उन बिलों को देखते थे, पढ़ते थे, कमियां खामियां निकाल कर सरकार को मजबूर करते थे कि उन कमियों और खामियों को एड्रेस किया जाए। आईएएस ऑफिसर। और कौन एनएन वोहरा? ये वही एनएन वोहरा हैं जिन एनएन वोहरा के बारे में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे प्राइम मिनिस्टर के, भारत के होम सेक्रेटरी रहे, डिफेंस सेक्रेटरी रहे, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी रहे, फरवरी 2003 से लेकर जब तक वो गवर्नर नहीं बने थे वो भारत सरकार के इंटरलॉक्यूटर थे जम्मू कश्मीर पर। वो जो इंटरलॉक्यूटर्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नियुक्त किए थे उनमें से वो भी एक इंटरलॉक्यूटर थे। उन्हें भारत का दूसरा बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण भी मिला हुआ है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिविल साइंसेज। और भी बहुत कुछ है एनएन वोहरा को लेकर, लेकिन इस वक्त समय नहीं है। मैं उसके बाद श्रीनिवास कुमार सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ADC। और उसके बाद जरा सोचिए, वो आदमी जिसने फौज में तब सर्व किया, बिल्कुल मिलिट्री कैरियर जो उनका रहा है, उस मिलिट्री कैरियर में कैप्टन वो 10 सितंबर 1951 को बने, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की टॉप पोजीशन पर वो रहे, और एक बटालियन उन्होंने लद्दाख में कमांड की, एक ब्रिगेड उन्होंने मणिपुर में कमांड की, एक माउंटेन डिव उन्होंने आसाम में कमांड की, एक इन्फेंट्री डिवीजन उन्होंने जम्मू में कमांड की, एक कॉप्स उन्होंने पंजाब में कमांड की और वेस्टर्न आर्मी में की स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स की पोजीशंस पर वो रहे। डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस, एडजुटेंट जनरल एंड वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आर्मी हेडक्वार्टर्स में जो आदमी रहा हो, और उस उनके आर्मी कैरियर में ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वो जम्मू कश्मीर में पहले दिन से इन्वॉल्व थे, फर्स्ट डे से वो जम्मू कश्मीर में इन्वॉल्व थे, यानी 27 अक्टूबर 1947 को एक जूनियर स्टाफ ऑफिसर के तौर पर जो मैसिव एयरलिफ्ट हुआ दिल्ली से श्रीनगर अक्टूबर 1947 में, जब क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान के कबायलियों ने जब हमला किया था, उस ऑपरेशन में
जो आदमी, जो जर्नल इन्वॉल्व रहा हो, उस जर्नल को लेकर सत्यपाल मलिक की ये शब्दावली कि जम्मू कश्मीर में जिसको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है वो शराब पीता है और गोल्फ खेलता है, शायद सत्यपाल मलिक को ये मालूम ही नहीं कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जिसे भी नियुक्त किया जाता है वो उस राज्यपाल को तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नॉर्दर्न कमांड जम्मू कश्मीर में है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और सालों से आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक पाकिस्तान है, एक लंबा चौड़ा बॉर्डर है, उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल कॉन्टीन्यूसली डिस्टर्ब रहती है, इंटरनेशनल बॉर्डर कॉन्टीन्यूसली डिस्टर्ब रहता है, उसके बाद सरकार के अंदर वो लोग जो अलगाववादियों और आतंकवादियों के समर्थक हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है राज्यपाल का दफ्तर जम्मू कश्मीर में। शायद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को ये तमाम चीज़ें मालूम नहीं, शायद उन्होंने ये सब काम राज्यपाल के दफ्तर में बैठकर नहीं किए, अगर किए होते तो शायद वो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। किसी राजनीतिक आदमी ने सत्यपाल मलिक को ये नहीं कहा माफ़ी मांगिए, कहेगा भी कोई नहीं क्योंकि उनकी राजनीति पर इससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन भारत का रहने वाला हर नागरिक और जम्मू कश्मीर का हर निवासी ज़रा ये सोचे कि सत्यपाल मलिक ने कहा क्या है, किन शब्दों का प्रयोग किन लोगों के लिए किया, जो लोग देश के लिए तत्पर, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जो लोग देश के लिए सीमाओं की, जिन लोगों ने जो सीमाओं की रक्षा में लगे रहे, जिन लोगों ने आर्मी को कमांड किया, जो लोग रिसर्च एनालिसिस विंग में हमारे दुश्मनों पर 2400 घंटे नज़र रखने का काम करते रहे, जिन लोगों ने राजभवन में बैठकर जम्मू कश्मीर को की डूबती नैया को पार लगाने का काम किया, जिन्होंने 90 से 96 की दहाई में जब आतंकवाद चरम सीमा पर जम्मू कश्मीर में था, जो राज्यपाल राज्यपाल के दफ्तर में बैठे रहे और 6 साल के अंदर ऐसा माहौल बनाया जिस माहौल के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर दोबारा जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े, क्या उन तमाम राज्यपालों के उस कॉन्ट्रीब्यूशन को आपको नहीं लगता डिनिग्रेट और डेरोगेट करने का काम सत्यपाल मलिक ने किया है? आप गोवा के राजभवन में ज़रूर बैठे हैं, मगर गोवा के राजभवन में बैठकर आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर के बारे में जब आप बात करें, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने से पहले ये सोचें किन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं। और जब चलन चल पड़ा है जम्मू कश्मीर को लेकर, कोई भी आदमी कुछ भी बकवास करने लगा है, एक नीति आयोग के मेंबर, उन्हें लगता है कि सिर्फ पॉर्न जो है वो जम्मू कश्मीर में लोग देखते हैं, बाकी देश भर में कोई नहीं देखता। हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब 370 धारा हट गई है, अब हमें भव्य जो है वो कि जम्मू कश्मीर से लानी है। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग साफ तौर पे ये दर्शाता है कि लोग बीमार हैं और बहुत हद तक बीमार हो चुके हैं। बीमारी का कारण ये भी है कि नेशनल मीडिया और खासकर मेनस्ट्रीम मीडिया इन्हें इतना स्पेस देता है जिस स्पेस को ये लोग डिजर्व ही नहीं करते। जो जनरल के वी कृष्णा राव को लेकर, गिरीश चंद्र सक्सेना को लेकर, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा को लेकर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करें, साफ तौर पर यह पता चलता है कि उस आदमी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक और कमेंट उन्होंने किया, उन्होंने कहा जब 370 हटाया जाना था तो चीफ सेक्रेटरी आए, उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे वो कहा। ज़रा सोचिए, चीफ सेक्रेटरी और राज्यपाल के बीच में जो बातचीत होती है वो एक स्टेट सीक्रेट होता है, उस स्टेट सीक्रेट को पब्लिक करने का कोई मतलब नहीं। लोग वाहवाही तो करेंगे, ताली तो पीटेंगे, लेकिन उससे नुकसान देश का होता है। दूसरी चीज़, आज आप लोग ज़रा सोचिएगा कि क्या जो शब्दावली का प्रयोग राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया, क्या उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? अगर आपको लगता है कि माफ़ी नहीं मांगनी है तो फिर ज़रा सोचिएगा कि किन राज्यपालों के बारे में उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है।